रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, रामलला स्वयं विराजमान हो गए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा एक बार हो जाए तो फिर वही ईश्वर है। लेकिन एक तो आपने विग्रह को पहले देखा और उसके बाद जो दूसरा रूप आपने आज गर्भगृह में देखा, वहां से वहां तक का जो की जो यात्रा रही विग्रह की, उसके सबसे निर्णायक जो भूमिका उसमें निभाई, मनीष त्रिपाठी हमारे साथ हैं। यूं तो ये इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मल से लेकर भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय सेना के बुलेट प्रूफ तक डिजाइन करते हैं, लेकिन इस बार इनका काम बिल्कुल अलग था। ये रामलला के डिजाइनर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य मानूंगा कि काम करने का मौका मिला मुझे, और बताना चाहूंगा कि पूर्व में भी मैंने यूपी खादी के सहयोग से मैंने 2021 में माननीय योगी जी के थ्रू मैंने रामलला विराजमान के लिए बस डिजाइन किए थे। तब से मैं ट्रस्ट के संपर्क में रहा और उन्हें अपना काम वगैरह बताता रहा। लेकिन रामलला के ठाट जो आज दिख रहे हैं, पहले ऐसा कतई नहीं था। सोचिए, जिन रामलला को 7 वर्ष 7 वस्त्र मात्र मिलते थे पूरे पूरे साल में धारण करने के लिए, आज उनका तिलक भी है तो हीरो और रत्नों से जड़ा हुआ है। आखिर रामलला कैसे वस्त्र पहनेंगे, ये कैसे तय हुआ? ये समझने से पहले आपको रामलला के बारे में जानना चाहिए कि उनके खाते में करोड़ों रुपए रहने पर भी जब वो टेंट में रहा करते थे तो साल में एक बार ही कपड़े सिलते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि खातों में करोड़ों रुपए होने के बावजूद उनके कपड़े सिर्फ रामनवमी को बनते थे। जब रामलला टेंट में थे तो रामनवमी पर हर साल उनके लिए जाड़े और गर्मी के मौसम के अनुसार 7-7 सेटों में ड्रेस तैयार करवाई जाती थी। इन्हीं को साल भर बदल कर पहनाया जाता था। रोजाना ड्रेस की धुलाई भी नहीं की जा सकती थी। ये वो दौर था जब रामलला की सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते थे, लेकिन लाखों का सालाना चढ़ावा आने के बावजूद रामलला मुफलिसी के शिकार थे। लेकिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के विग्रह के लिए रामलला के डिजाइनर के रूप में मनीष त्रिपाठी को चुना गया, जिन्होंने अपना बाकी काम छोड़कर रामलला के लिए ड्रेस तैयार करने की जिम्मेदारी स्वीकारी। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। आप लगातार यहीं पर थे, आप अपना बाकी काम काज छोड़कर आप लगातार एक तरफ मूर्ति बन रही थी, दूसरी तरफ आप तय कर रहे थे क्या। बिल्कुल बेटा, देखिए हर किसी आदमी के लिए हर आदमी को समझता है कि मैंने कुछ कहते राम की कहानी, राम की कहानी में किले सहभागिता हो गया। मुझे लगा कि मैं भी कुछ गिले अलग कुछ काम कर सकूँ, और जो एक संघर्ष 5 सालों का इस मंदिर का रहा, राम भगवान राम को अपने घर आने में यहाँ पे होना, भगवान के चरणों में स्थान पाना, यही अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये किसी भी चीज़ से बहुत ऊपर है। दबाव नहीं, उनको जिम्मेदारी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सब सोच रखी जो कहते तो वही राम चिराखा बोलते हैं। मैं भी बहुत विश्वास करता हूँ चीज़ों में। मुझे सर इतना पता था कि ये विषय जो है ये डिजाइनिंग का, फैशन से कपड़े का, पोशाक का नहीं था, ये करोड़ों की आस्था का विषय था। जब हम किसी इंसान के लिए कपड़े बनाते हैं, किसी सेलिब्रिटी के लिए बनाते हैं, तो बता पाते हैं हमारे पास हमारा किट ये है, हमारा फैशन सेंस ये है, हमारा साइज ये है, हमें फिट ऐसा लगता है। बट भगवान से कम्युनिकेट करना और मूर्ति बन के कपड़े बनाना, वो अदर लेवल ऑफ चैलेंज, जहाँ पे अलग लेवल का ट्रांस में जाने की जरूरत पड़ता था, जहाँ पे सच में भगवान से वार्तालाप करने की कोशिश करता था। क्या पसंद है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।